बाइकिंग सबसे पहले जो मेक्सिको में हमने की थी सोल दे माई वाटरफॉल्स में, और उसके बाद मैंने कहा कि जब कनाडा में वापस आऊँगा स्पेशली अपने डॉग के साथ तो यहाँ पर मैं हाइकिंग करनी शुरू करूँगा, क्योंकि हाइकिंग उस टाइम मैंने पहली बार की थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है फिटनेस के लिए। तो आज मेरे घर के पास जैसे एक क्रीक है, यहाँ पर आज हम आ रखे हैं, यहाँ पे फिल्म करेंगे, यहाँ पे व्लॉग बनाएंगे। तो अप्रैल का जब से मैं अपने डॉगी को लेकर आ रखा हूँ, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली है, घर के अंदर ही बैठी रहती है, थोड़ा बहुत घर के आसपास घुमा देता था मैं इसे, तो उसके बाद जाके आज निकल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट स्मेल्स आ रही है, आवाज़ें आ रही है चिड़ियों की, तो और के काफ़ी खुश है। तो जून की पहली तारीख होने वाली है, ऑलमोस्ट 2-3 महीने से घर के अंदर ही है। तो जब हम इसे लेकर आए थे जैसे सिर्फ 9 समथिंग किलो की थी, और ये 2-3 महीने के अंदर अभी पूरे 17 किलो की हो चुकी है, तो इसने 6-7 किलो वेट गेन कर लिया। आर यू एक्साइटेड? तो जब हमने मेक्सिको में हाइकिंग की थी और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, तो इस बार जहाँ पर हम एडमिंटन अल्बर्टा में रहते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट जैसे हाइकिंग के लिए जगह, तो हमारा इस बार का प्लान है कि हाँ भैया इस बार हाइक करेंगे, इस बार टाइम और हमारे पास कुत्ता भी है, और ये तो बहुत खुश है आज। अमन, तेरा एक्सपीरियंस क्या हो जा रहा है मेक्सिको का, जिते हाइक की थी, सा निकले सी? नहीं, उतने नहीं निकला, उतने निकला सी, इतने निकला, क्योंकि आज की हाइक तो जैसे पूरे 40 मिनट की है, 40 से 50 मिनट लिखा हुआ, बाकी देखो। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा खुश है, ऑलमोस्ट 3 महीने बाद घर से बाहर निकाला। तो पहले जैसे बैक साइड जो बगीचा था, उस छोटे से बगीचे में खेलती थी, तो आज बाहर निकली तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो छोटा सा डॉग है, मैं भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी इसके अंदर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भाग रही है। हमें सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं, 10 मिनट में सारे के सारे थक चुके हैं। अमन, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। मून, ए तो यहाँ पे आके तो बात भी नहीं सुन रही है, वैसे तो घर पे बहुत अच्छी तरीके से बात सुनती है। मून, तो क्वारंटीन में जिम वगैरह तो सारे बंद हो रखे हैं, यहाँ पे अब इन्होंने कहा है कि हाँ भाई धीरे धीरे आप बाहर निकल सकते हो, पार्क वगैरह में जाना अलाउड है, तो उधर के आज हम बाहर निकले हैं, लेकिन अब आज लातों का पूरा जोर लग रहा है। स्लो ब्रो, जे चल यार, जे रोकना होता सीधा उत्थे जाना सी, कोई फनी मूवी वाला सीन हो जाना सी पूरा। इट्स हार्ड। वेट, ये देखो हमने जैसे इसकी छोटी सी लाइट लगाई है, ताकि अगर हमसे दूर भागती है तो हमें पता चल जाए इसका, लेकिन बिल्कुल भी नहीं रुक रही। मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ, कितनी ज्यादा हाइप हो रखी है, कितनी ज्यादा एथलेटिक है ये। तो जो मेरी नानकी है, नानके बिल्कुल ऐसे से है दिखने में, पंजाब में हरियाणा, हरियाणा के पास एक गांव है, वो काफ़ी पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे मैं बचपन में बहुत हाइक किया करता था, अपने मामा जी वगैरह के साथ जाता था, काफ़ी मज़ा आता था, 5-6 घंटे तक हम वापस नहीं आते थे, काफ़ी स्टैमिना था उस टाइम, क्योंकि आदत पड़ी हुई थी, और अब तो बिल्कुल भी आदत नहीं है, तो काफ़ी थकावट होती है। ये देखो कितना ज़्यादा इंक्लाइन है यार, आज इंटरेस्ट ने मुझे मेरी नान की याद दिला दी है, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई कि मेरे छोटे से कुत्ते में इतनी ज़्यादा पावर है, सबसे पहले वही ऊपर पहुँची, हम में से कोई भी नहीं पहुँचा। ये देखो चार्ज हो रही है, थक गई हो? ए बजूरिया, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार, जब कब मेक्सिको से वापस आया हूँ, 3 महीने से घर पे ही बैठ रखे, ऐसे कोई जिम वगैरह नहीं, थोड़ा बहुत घर पे जिम वगैरह लगाता हूँ, लेकिन भागने भूगने की कोई प्रैक्टिस नहीं है। तो यहाँ पर जाके अब थोड़ा प्लेन रास्ता आया, और यहाँ से देखते हैं भाई कहाँ तक जाती है। Moon, how come you are not tired? ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਿਆ ਸੀ ਅਮਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਥੱਕਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਸਟੈਮਿਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਯਾਰ, ਥੱਕਣਾ ਥਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਮੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਲੱਤਾਂ ਦੁੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ। Belly rubs. Give her belly rub. Una panchita. Una panchita. Una panchita.
Moon, you ready? Mommy. Let's go. थक रखी लेकिन फिर भी भागेगी देखो। अमन दस इतने खाने नु की प्रोटीन है जे तू इतने गवा जावे खाने नु की चीज प्रोटीन है इतने पत्ते ब्रो पत्ते खावा पत्ते। अब हमें एक घंटा हो चुका है तो ट्रेल एक तरीके से लूप थी। आगे जब आप जाते हो एंड में घूम घुमा कर ट्रेल के ऊपर वापस आ जाते हो, फिर वापस आप वहाँ पर ही जाते हो जहाँ पे पार्किंग लॉट है, जहाँ पर आपकी गाड़ी खड़ी हुई है। Slow down, mommy. तो ये वैसे ही लगता है दिखने में, मुझे काटेगी, कभी भी काटती नहीं है। ओए ओए, it's okay. Let's go. Hey, it's okay. Come. इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रखी है, देखो अभी नीचे गिर गई और भारी भी इतनी है, नीचे जाके फंस गई और इसे लाना वापस लाना पड़ा। मून स्लो। तो जैसे अगर आप ट्रेन में आ रखे हो ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब से मेरा प्लान यही रहेगा कि इसको थोड़ा बड़ा ट्रेन के रूप में साथ में लेकर जाऊँ, थोड़ा ज़्यादा इसे चलने की प्रैक्टिस हो, भागने की प्रैक्टिस हो, तो करके फिर जब भी मैं कनाडा पे कहीं पर भी एडवेंचर की चीज़ के लिए जाऊँगा इसे साथ में लेकर जाऊँगा। ये सीक्रेट बात है इसको बुलाने की। तो जो ट्रेल के रिव्यूज वगैरह थे उसमें लिखा होता है कि जैसे यहाँ पे अलग अलग तरीके के जानवर है, तो मुझे नहीं पता जैसे वो सांप है, सांप का पीला है किस चीज़ का, लेकिन सांप भी यहाँ पर हो सकते हैं। ट्रेल 40 मिनट की लिखी हुई थी, 40 मिनट की तो बिल्कुल नहीं है, 1 घंटा 15 मिनट हो चुके हैं, लेकिन खत्म होने वाली जहाँ तक मुझे लग रहा है। अभी ये भी थक चुकी है, अभी ये नहीं आगे भाग रही, अब साथ साथ में चल रही है बिल्कुल। तो वहाँ से देखो जैसे रैंडमली पेड़ वगैरह काटे हुए हैं, कट के साथ में गिर रखे हैं, ये नहीं पता वो पेड़ अब किसी ने काटे हैं या फिर जैसे बीवर्स वगैरह होते हैं जिनकी पेड़ काटने की आदत होती है उन्होंने काटे हैं। यार नेचर में आते हैं तो ऐसे गंद मत फैलाओ। कितना इजी है इन्हें कंट्रोल करना, बहुत ओके। लेट्स गो, छोटे पैकेट में जैसे बड़ा धमाका है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो फायर, नो गन्स, नो मोटराइज्ड व्हीकल्स। तो मुझे जैसे लग रहा था ये पूरी की पूरी जमीन जैसे गवर्नमेंट की है, लेकिन गवर्नमेंट की नहीं है, किसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो हाइक अब बिल्कुल अंत आ चुका है, लेकिन देखो बहुत ज्यादा गंदी हो गई है। जाने से पहले इसे पेट वॉश लेकर जाएंगे, मैं वहाँ पर पहले गया नहीं, उसको पहली बार लेकर जाएंगे, देखते हैं पेट वॉश मेरे घर के पास की खुली हुई है कि नहीं, या क्वारंटीन के घर के बंद है। हमने प्रॉपर इसके लिए ऐसे सीट ली थी, तो ये चीज जैसे पूरी पीछे लगाओ, पीछे बैठी रहती है, वरना इसके फर काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे थे। अभी पीछे आराम से बैठी हुई है, गाड़ी में इसको अगर बैठाओ तो बैठे हुए को इसको चक्कर आते हैं, तो इसको ऐसे हाथ रखना पड़ता है इसके ऊपर। जब गाड़ी चल रही होती है तो खड़ी हो जाती है, तब नहीं बैठती। अभी इसकी आवाज़ सोने की आ रही है, लगता है सो गई है अभी। एक बात जो मैं भूल गया था आज कि बुलडॉग्स की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, और जब मैं वहां पर मून को नहला रहा था तो मैं ये चीज भूल गया, और उसकी स्किन काफी लाल और पिंकिश कलर की होने लगी, जिस करके उसे घर पे वापस लाकर दोबारा नहलाना पड़ा। बाकी अगर आपने इस वीडियो को पूरी एंड तक देखा तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट।